मैं आपको लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूं अल्कलाइन वाटर मशीन की। पिछले कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था अल्कलाइन वाटर मशीन के बारे में, और बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, सवाल आ रहे थे, मशीन कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, और इसके किस तरह से हम इसको इतना सस्ता दे पा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए मुझे लगा कि लाइव डेमो आपको दिखा दिया जाए। देखने में ये आरओ जैसी ही लगती है, और इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो उस आरओ के यहाँ होते हैं इन और आउट दो पाइप होते हैं। ये इन और आउट दो पाइप आपको निकाल के बस इसके अंदर लगा देने हैं, आरओ में से निकाल के। सेम तरीका, यहाँ टूटी पे एक पाइप लगी हुई है, ये प्री फिल्टर में जाती है, प्री फिल्टर से आती है, फिर मशीन के अंदर जाती है, और मशीन से जो पानी निकलता है वो रिजेक्टेड वाटर होता है। कुछ खासियत है इस मशीन की, एक बात यह है कि इसमें मेम्ब्रेन जो है इसमें इनबिल्ट आरओ होता है, इनबिल्ट आरओ होता है, और आरओ में भी जो मेम्ब्रेन होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है। इस पानी में जो शुद्ध वाटर पानी ये देगी उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा। और दूसरी बात ये, एक लाइट दिख रही है आपको इसके ऊपर जल रही है नीले रंग की, ये लाइट भी अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब अगर इस टैंक में, पानी के टैंक में भी कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उसको ये अनएक्टिव कर देती है, तो कोई भी जिंदा या एक्टिव बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर नहीं जा सकता इस पानी के साथ। दूसरी खास चीज़ ये है, क्योंकि सवाल ये आ रहा है, लोग ये नहीं पूछ रहे कि इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं आप, क्योंकि इसकी कीमत हमने केवल 10,000 रुपया रखी है। सवाल ये आ रहे हैं कि आप इतनी सस्ती कैसे दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अल्कलाइन वाटर मशीन का जिक्र आता है तो लोगों का ध्यान वहाँ जाता है, उस मशीन की तरफ जाता है जो 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की मिलती है, 2.5 लाख की मिलती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, वो असल में वाटर प्यूरीफायर नहीं होता, वो आयोनाइजर होता है। उसमें टाइटेनियम की प्लेट लगी होती है, जब बिजली का करंट उन प्लेट्स में से गुजरता है और पानी गुजरता है, पानी को ब्रेक करती है, उसको आयोनाइज करती है, तो एल्कलाइन बढ़ाती है पानी को। उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं होता, मतलब क्योंकि उसमें आरओ नहीं होता, हैवी मेटल्स वगैरह को नहीं निकाल पाती वो मशीन। तो इस मशीन में क्या है कि इनबिल्ट आरओ है, पहले हम हैवी मेटल जैसे हमारे ग्राउंड वाटर में मरकरी, लेड जैसे केमिकल हैवी मेटल्स हैं, और आर्सेनिक जैसे केमिकल हैं, और बहुत सारे केमिकल हमारे पीने के पानी में ऐड हो चुके हैं, तो उनको निकालने के बाद पहले आरओ से उनको निकाला जाता है। उसके बाद ये जापान की टेक्नोलॉजी है, एक अल्कलाइन यूनिट लगा होता है इसमें, जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं, मार्बल्स टाइप, वो उसमें से जब पानी गुजरता है बिल्कुल नेचुरल, उसमें कुछ भी केमिकल या सिंथेटिक नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से जब पानी उस कैंडल में से गुजरता है तो वो एल्कलाइन हो जाता है। तो बिल्कुल प्योर एल्कलाइन पानी और माइनस ओआरपी वाला पानी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, क्योंकि टेस्ट की वीडियो के पहले भी डाली थी, लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा पानी टेस्ट करके बता रहे हैं, मैं इसी मशीन का पानी आपको टेस्ट करके बताऊँगा। ये मेरे पास साथ में एक बॉटल वाटर भी है किनले का, इसका भी टेस्ट करेंगे और इस मशीन के पानी का भी टेस्ट करेंगे। पहले हम पीएच टेस्ट करेंगे, ये इसमें थोड़ा सा पानी मैंने आरओ वाला डाला और इस कप में मैं ये मशीन का पानी डाल रहा हूँ जो पानी ये बना के दे रही है। अब ये पीएच टेस्टर है, हम इसमें दो दो ड्रॉप डालेंगे, जो कलर आएगा उसी से पता चलेगा कि पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है। ये जो बॉटल का पानी मैंने डाला इसमें 2 ड्रॉप मैंने डाले और 2 ड्रॉप मैंने इस मशीन के पानी में डाले, तो अब आप देखिए इसका कलर जो हुआ येलो। तो येलो कलर का मतलब है, यहाँ इस पर चार्ट है बना हुआ, पीएच चार्ट बोला जाता है, ये देखिए येलो और 6 पीएच, 6 पीएच, 6 और 5 पीएच येलो से भी ऑरेंज टाइप होता है। तो ये पानी आप देख सकते हैं कि बॉटल वाटर या आरओ का पानी जो है इसका पीएच 5-6 के बीच होता है, और ये जो है अल्कलाइन वाटर इसका पीएच आप यहाँ देखेंगे ब्लू
ब्लू से भी आगे वायलेट बैंगनी होता है, तो ये 10 पीएच का पानी है। तो क्योंकि हमारे ब्लड का, हमारी बॉडी का पीएच जो 7.4 होता है, और अगर हम कम पीएच की चीज़ें खाते हैं तो एसिडिक होती हैं, और पानी अगर लगातार हम कम पीएच का पीते हैं, एसिडिक पानी पीते हैं, तो हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक ब्लड जो है वो हमारे सेलों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता, जिसकी वजह से कैंसर सेल पैदा होते हैं। दूसरा टेस्ट ओआरपी का करेंगे। ये देखिए मैं आरओ वाटर डाल रहा हूँ इसमें, और इसमें आपके सामने मैं ये मशीन का पानी डाल रहा हूँ। थोड़ा सा पानी लेने की जरूरत होती है। तो ये ओआरपी टेस्टर है। ओआरपी टेस्टर मतलब इसकी बूंद, दो बूंदें डालेंगे हम, एक बूंद डालने की जरूरत है। अगर पानी का कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ओआरपी प्लस है। और अगर ये दो बूंद मैंने डाल दी, इसी में भी दो बूंद डालेंगे, इस पर क्लियर लिखा है कि अगर पानी का कलर चेंज नहीं होता तो ओआरपी प्लस है, और अगर पानी का कलर पिंक हो जाता है, देखिए डार्क पिंक, तो इसका मतलब ओआरपी माइनस है। ओआरपी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, केमिकल जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, और ये पानी उस ऑक्सीडेशन को रोकेगा। तो कुल मिला के ये केवल 10,000 रुपया कॉस्ट है यहाँ की। यहाँ से हम 10,000 में देंगे, आपके वहाँ पहुँचने तक जहाँ से भी ऑर्डर आएगा हम पहुँचाएंगे, वहाँ तक जो कोरियर चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको अलग से देने होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसकी ब्रांडिंग करेंगे, पहले एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसके बाद इसके डब्बे प्रिंट करवाएंगे, इस पर स्टिकर लगाएंगे और सारी चीज़ें अगर करेंगे, या किसी से एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, तो लाजमी इसका रेट बढ़ेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि कम से कम पैसों में लोगों तक ये मशीन पहुंचाई जा सके, ताकि लोग, जैसे डॉक्टर बियर्स ने बताया कि थैलेसीमिया के पेशेंट को तुरंत आरओ का पानी बंद करके अल्कलाइन पानी पीना होगा, और ये माइनस ओआरपी का पानी है, ये बीमारियों को ठीक करने में मदद करेगा और बीमारियों को बचाएगा भी। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है, 10,000 लीटर तक ये अल्कलाइन पानी देगी। जो दो तीन मेंबरों की फैमिली है उनका 1.5-2 साल भी चल जाएगा। इसको कुछ कोई सर्विस नहीं करनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। जब पानी की क्वालिटी कम हो जाएगी, जब पीएच कम हो जाएगा, जब ओआरपी कम हो जाएगा, तब जाके इसके अंदर की जो कैंडल्स उनको चेंज करेंगे, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। सो धन्यवाद, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। कमेंट जरूर कीजिए, आपका जो भी विचार है ज़रूर दीजिए, और आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी और चाहिए या ऑर्डर करना है आपको, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157 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